खरगोन शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए नगर में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रस्तावित बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया कि सनावत रोड से खंडवा रोड और खंडवा रोड को बिस्टान रोड से तथा बिस्टान रोड को उमरखली रोड से कनेक्ट करके बाईपास प्रस्तावित है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निरीक्षण के बाद 3.5 किलोमीटर और 30 मीटर चौड़े बाईपास के लिए DPR तैयार करने के निर्देश दिए। डाबरे रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नगर एवं ग्राम निवेश ने भी इसी स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। नगर पालिका ने डाबरिया रोड वाली 20 एकड़ भूमि नगर पालिका को देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी के साथ नगर पालिका पार्षद SDM ओम नारायण सिंह सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में इंस्टॉल होने वाली CNC मशीन प्रस्तावित बाईपास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने CNC मशीन स्थापित कर पेवर ब्लॉक का कार्य करने के निर्देश दिए। नगर पालिका CMO ने बताया कि शहर के डिमोलेशन और अन्य बिल्डिंग से निकलने वाले मटेरियल के पेवर ब्लॉक बनाए जाते हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन CNC मशीन इंस्टॉल की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उमरखली रोड, ट्रेंचिंग ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट नगर, नहर किनारे प्रस्तावित बाईपास मार्ग का अवलोकन किया। यहाँ नहर किनारे शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसा कि आपको कल निरीक्षण की खबर है, उस निरीक्षण में अध्यक्ष महोदय का हमारे यहाँ पे काफी मन है कि इस शहर में जो ट्रैफिक है वो सुचारू हो। कलेक्टर साहब ने भी बार बार, जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें बार बार ये पॉइंट रखा है कि ट्रैफिक जो है शहर का सुचारू होना चाहिए। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने जब रोड्स को इवैल्यूएट किया कि हम कहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो जो नहर के सर्विस रोड्स हैं वो एक हमें बहुत अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट मिला है। हमारे यहाँ जो रोड्स हैं मेनली बिस्टान रोड, सनावद रोड, खंडवा रोड, ये सारे रोड्स के ट्रैफिक अगर लोगों को कहीं जाना है तो सब लोग चौराहे पे आते हैं, तो हर व्यक्ति चौराहे तक आता है, अगर दूसरे एरिया में जाना है उससे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उमरखली रोड से जो नहर चालू होती है, उमरखली रोड से आप बिस्टान रोड आएंगे, बिस्टान रोड से खंडवा रोड, खंडवा रोड से सनावद रोड, ये जो नहर के सर्विस रोड है उनको अगर हम यूज़ करके बना पाए तो ये सारा कनेक्ट होकर आप डायरेक्ट उमरखली रोड से सनावद रोड तक आ सकते हैं बिना चौराहों पे आए हुए, तो बहुत सारा ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इससे काफ़ी सुचारू हो जाएगा ट्रैफिक। दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि शहर हमारा लगातार बढ़ रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत अच्छी हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता यहाँ हमेशा से महसूस हुई है। लोगों ने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको बोला है, तो इसी को लेके परिषद हमारी काफ़ी सेंसिटिव है। अध्यक्ष जी ने भी आदेश दिया, कलेक्टर साहब के भी आदेश हुए, तो हम लोगों ने फिर वो जगह देखी जो मास्टर प्लान में प्रपोज्ड है। मास्टर प्लान में जो जगह प्रपोज्ड है उस जगह को हम लोगों ने देखा कि उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ से NH का भी रिंग रोड निकलेगा भविष्य में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहने वाला है वो पॉइंट हमारा। तो लगभग 20 एकड़ भूमि की हमने वहाँ पे मांग की है। ट्रांसपोर्ट नगर अगर बनता है तो हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी अच्छे जो हमारे यहाँ शोरूम्स हैं 4-व्हीलर्स के, 2-व्हीलर्स के, वो लोगों को भी हम वहाँ जगह प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होंगी, तो एक तरह का ट्रैफिक मूवमेंट जो शहर में पूरे समय होता है, कहीं भी कुछ भी बेतरतीब तरीके से बड़े वाहन पार्क हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। और कलेक्टर साहब ने साथ ही साथ टेंशन ग्राउंड का विजिट किया। खरगोन नगर पालिका का टेंशन ग्राउंड हमारे संभाग में ऑलमोस्ट सबसे अच्छा टेंशन ग्राउंड है। कलेक्टर साहब ने भी देख के काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। कलेक्टर साहब ने हमें एक दो पॉइंट उसमें निर्देशित किए हैं, जैसे कि जो हम अभी CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको यूज़ करने के लिए अभी हमारा अग्रीमेंट है तो हम उसको सेल कर देते हैं। सर ने बोला इसे आप पेवर्स बनाइए और पेवर्स आप अपने स्वयं के लिए यूज़ करिए। और दूसरा एक हमारा प्लान है कि जो गोबर निकलता है, गोबर से जो हम कंडे बनाने की मशीन या जो संविदाएँ बनती हैं, लकड़ियाँ बनती हैं, उसको बनाने की मशीन भी हम एक प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।